कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जहां देश भर में मास्क की कमी है, ऐसे में कुछ समाज सेवी आ गया है। गांव सुरगांव चोशी, इस गांव के एक बुजुर्ग टेलर ने फ्री में मास्क बनाना शुरू किया और गांव वालों को बांटना आरंभ कर दिया। यही समाज सेवा की एक ऐसी मिसाल है जो कि देश के हर नागरिकों को अनुसरण करनी चाहिए। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में कुछ ऐसे योद्धा भी हैं, जो अपनी मेहनत से लोगों की मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम सुरगांव जोशी के टेलर सुखदेव नामदेव मास्क बनाकर लोगों को निशुल्क बांट रहे हैं, जो प्रतिदिन 500 से अधिक मास्क तैयार कर वितरित कर रहे हैं। इसके लिए वे दिन में 8 घंटे लगातार सिलाई मशीन चलाकर मास्क तैयार करते हैं। इनकी गांव में छोटी सी टेलरिंग की दुकान है। आम दिनों में यह लोगों के कपड़े सिलकर अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी के चलते यह लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जो सिलाई के दौरान बचे हुए कपड़े के टुकड़ों का उपयोग मास्क बनाने में कर रहे हैं। ये बताइए कि आप किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं? बस मैं बना के दे रहा हूँ मास्क, और 2-3 दिन से बना रहा हूँ। अभी तक 500-600-700 बना चुका हूँ और दे रहा हूँ। जो भी बच्चे बूढ़े जो भी आ रहे हैं सबको दे रहा हूँ। इसके लिए कोई आप लोगों से पैसा ले रहे हैं? नहीं, किसी से पैसा नहीं, निःशुल्क एकदम सेवा दे रहा हूँ मैं। तो लगातार आप कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं बस सुबह से 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक दे रहा हूँ। जिनके पास मास्क लेने के लिए आसपास के ग्रामीण पहुँच रहे हैं। ये विश्वव्यापी कोरोना की जो महामारी बहुत बड़ी जो समस्या देश में चल रही है, इस समस्या को देखते हुए हमारे ग्राम के टेलर साहब जो कि निःशुल्क मास्क बना के बांट रहे हैं, लगातार 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं और मुफ्त सेवा दे रहे हैं। तो मुझे भी जैसे खबर मिली तो मैं भी अपने परिवार के साथ मास्क लेने इनके यहाँ आया हूँ और इन्होंने ये बना के हमको दिए हैं मुफ्त निःशुल्क सेवाएं। अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।